हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की हैं कुछ हेयर केयर होम रेमेडीज़, कुछ DIYs जैसे कि होममेड कंडीशनर्स, सीरम्स, हेयर ऑयल। लेकिन गाइज, मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कुछ भी यूज़ कर लें, कोई भी हेयर ऑयल, कोई भी सीरम यूज़ कर लें, हमारा हेयर फॉल नहीं रुकता है, हमारा डैंड्रफ ख़त्म नहीं होता है, बाल फ्रिजी रहते हैं, बाल स्मूथ नहीं होते हैं। सो गाइज़, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल सिल्की हों, स्मूथ हों, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हों। लेकिन जाने अनजाने हमारी ही कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स उनको लगातार नुकसान पहुंचाती रहती हैं, जिस वजह से हम कुछ भी बालों के ऊपर अप्लाई करें, कोई भी सीरम, कोई भी हेयर ऑयल, कोई भी कंडीशनर या कोई भी रेमेडी कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि उस बैड लाइफस्टाइल हैबिट की वजह से होने लगती हैं हमारे बालों में प्रॉब्लम्स, जैसे कि डैंड्रफ, हेयर फॉल, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, बालों का फ्रिजी होना। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रूट कॉजेज ऑफ ऑल हेयर प्रॉब्लम्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए अपने बालों को स्ट्रॉन्ग, सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए। सो मैंने सेलेक्ट की हैं ऐसी 10 लाइफस्टाइल हैबिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बैड टू गुड फॉर अवर हेयर। सो ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने बालों के बारे में जानना चाहते हैं या बालों की कोई भी प्रॉब्लम आपको है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों सब कुछ अप्लाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर टिप्स एंड नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में, और कभी कभी मैं शेयर करती हूँ कुछ हेल्दी फूड रेसिपीज़ एज वेल। सो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 5 बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जो हमारे बालों को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस भी। और उसके बाद हम बात करेंगे 5 गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जो हमारे बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल में वो 5 हैबिट्स इंक्लूडेड नहीं हैं तो आप उन्हें ज़रूर से शामिल करें। क्या आपने कभी अपने शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल की लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट चेक किए हैं? अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं सभी हार्श केमिकल बेस्ड हैं, जो हमारे बालों को इंस्टेंट शाइन तो देती हैं लेकिन लॉन्ग रन पे उन्हें बहुत डैमेज करती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसा शैम्पू, ऐसा कंडीशनर और ऐसा हेयर ऑयल यूज़ करें जो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, मिनरल ऑयल फ्री हो, जिसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस ना हो, जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स ना हो। कोशिश करें हेयर प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करें, होममेड हेयर मास्क, होममेड हेयर सीरम्स यूज़ करें। यहाँ अपने चैनल पर मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ काफ़ी सारे होममेड हेयर सीरम्स, हेयर मास्क, हेयर ऑयल्स, सो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। मोस्टली लोग ऑयलिंग करते ही नहीं हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऑयलिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारी ब्रेन मसल्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। सो ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप हेयर सीरम्स यूज़ करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ऑयलिंग इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर अवर हेयर ग्रोथ, फॉर अवर स्कैल्प, फॉर अवर ब्रेन मसल्स, फॉर अवर नर्वस सिस्टम। सो ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो वंस और जस्ट ट्वाइस इन अ वीक इज़ गुड इनफ फॉर यू, लेकिन अगर ड्राई स्कैल्प है तो कम से कम 3 से 4 बार वीक में आप ऑयलिंग ज़रूर करें। गीले बालों में कंघी कभी ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गीले बालों को सुखाने के लिए टॉवल से ऐसे 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 करके रगड़ते हैं, तो गीले बालों को ना तो कभी टॉवल से रगड़ें और ना ही कभी उनमें कंघी करें, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो बहुत जल्दी टूटते हैं। बालों को कम से कम 80% सूखने दें, उसके बाद ही कंघी। बालों को सुखाने के लिए रेगुलर बेसिस पे ड्रायर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। बालों को कर्ल करने के लिए, बालों को स्ट्रेट करने के लिए हॉट रॉड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बालों को बहुत अंदर तक डैमेज करते हैं। बालों को वॉश करने के लिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग हॉट वाटर यूज़ करते हैं। बालों को कभी भी हॉट वाटर, गर्म पानी से कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही सर्दी है तो आप उसे हल्का सा लूक वार्म कर सकते हैं, हल्का सा, लेकिन हॉट वाटर गर्म पानी से हम सिर्फ बॉडी वॉश कर सकते हैं, हेड वॉश कभी नहीं करना चाहिए, वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेयर फॉल।
तब आप कितना भी अच्छा खा लें, कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट ले लें बालों के लिए, बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, बालों की क्वालिटी ख़राब होगी ही होगी अगर आपको स्ट्रेस है तो। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहिए, और स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी आपको पसंद है, कोई हॉबी पसंद है तो उसे करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, म्यूज़िक सुनिए, वर्कआउट करिए, कुछ भी करिए जो आपको पसंद है वो करिए, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहिए। स्पेशली अगर आपको अपने बालों को डैमेज नहीं करना है, हेयर फॉल नहीं चाहिए आपको, डैंड्रफ नहीं चाहिए, अपने बालों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो स्ट्रेस फ्री रहना होगा। सो गाइज, ये थी वो 5 बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, जिनमें से अगर एक भी आपकी लाइफ में है, आपके लाइफस्टाइल में आपने इंक्लूड की हुई है, तो हेयर प्रॉब्लम आपको रहेगी ही रहेगी। अब हम बात करते हैं 5 गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स की, जिनमें नंबर 1 है बालायाम। बालायाम यानी कि बालों का व्यायाम, यानी कि हेयर एक्सरसाइज। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको अपने दोनों हाथों के नेल्स को एक दूसरे से रगड़ना है डेली, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। ऐसा आपको खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद करना है, खाना खाते ही नहीं करना है, बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से होता है हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट। क्यों? क्योंकि हमारे नेल्स के पीछे जो नर्व्स होती हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे स्कैल्प से। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे स्कैल्प में जो नर्व्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए अच्छी होती है, और हमारे बालों की ग्रोथ और क्वालिटी के लिए अच्छी होती है। तो 5 मिनट बालायाम ज़रूर करें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो अच्छे से अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वेरी गुड शैम्पूज़ दे यूज़ वेरी गुड कंडीशनर्स, वेरी गुड सीरम्स दे यूज़ फॉर देयर हेयर, लेकिन उनका ईटिंग हैबिट्स की तरफ अगर देखा जाए तो पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड जूसेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कोलास। हमारे बाल बने हैं प्रोटीन से, तो अगर हमको उनकी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने बालों को ठीक रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन के बने हैं। पनीर, पल्सेस, सोया चंक्स आर वेरी हाई इन प्रोटीन। नट्स को भी अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नींबू, आंवला, दीज ऑल आर वेरी वेरी गुड फॉर अवर हेयर हेल्थ। नेक्स्ट इज़ बॉडी मसाज। अब आप बोलेंगे कि बॉडी मसाज का बालों से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन बहुत डीप है। बॉडी मसाज हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, इतना ही नहीं है, हमारी बॉडी के वात दोष को भी दूर करता है, और आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष ही हमारे बालों की हर तरह की प्रॉब्लम का कॉज है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका हेयर फॉल होगा ही होगा, और इसको ठीक करने का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है बॉडी मसाज। जस्ट डू इट 2 to 3 times इन अ वीक। इसको करते हुए सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मसाज की डायरेक्शन टुवर्ड्स योर हार्ट होनी चाहिए, यानी कि अगर आप नेक पर मसाज कर रहे हैं तो आपको डाउनवर्ड्स करना है, और अगर आप हैंड्स, अपने आर्म्स और लेग्स पर मसाज कर रहे हैं तो आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है। 2 to 3 times इन अ वीक, आप इसको 2 weeks के लिए कर देखें, आप हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स देखकर, अपने हेयर हेल्थ और अपनी नर्वस सिस्टम की हेल्थ देखकर। वीक में 2 से 3 बार से ज़्यादा शैम्पू ना करें, 2 से 3 बार शैम्पू करना इज़ इनफ। अगर आप बाहर भी जाते हैं, घर से बाहर डेली जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो भी मैक्सिमम 3 बार वीक में शैम्पू करना काफ़ी है, इससे ज़्यादा शैम्पू ना करें। क्वांटिटी भी शैम्पू की उतनी लें जिससे कि आपका बाल और आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत बहुत सारा शैम्पू वो यूज़ करते हैं, बालों में पूरा फोम बना लेते हैं, वो बहुत हार्मफुल है। एक तो शैम्पूज़ ऑलरेडी केमिकल बेस्ड होते हैं, ऊपर से आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर अपने बालों पर और जिसे कहते हैं अत्याचार कर रहे हैं। तो शैम्पू उतना ही लें जिससे कि आपकी स्कैल्प और बाल क्लीन हो जाएं। दूसरा, बालों में कंघी ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बालों में कंघी या ब्रशिंग करते ही नहीं है, क्योंकि बाल कहते हैं जितना कंघी करेंगे उतना बाल टूटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जितने बाल गिरने हैं उतने गिरने हैं, चाहे आप कंघी करें या ना करें। आप कंघी नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा बाल गिरेंगे, क्योंकि आपका स्कैल्प गंदा होता रहेगा। जब हम कोम करते हैं या ब्रशिंग करते हैं तो वो सिर्फ हमारे
हमारे बालों को स्टाइल ही नहीं देता, हमारी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, कि जिसकी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बालों की रूट्स अंदर होती हैं। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तभी तो रूट्स तक पहुँचेगा, और जब रूट्स तक ब्लड पहुँचेगा तभी तो रूट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारे बाल हेल्दी होंगे। इसलिए बालों में कंघी करना बेहद ज़रूरी है। बालों को कभी भी टाइट आप टाई ना करें। जितना आप टाइट टाई करेंगे उन पर अनवांटेड प्रेशर बनेगा, हेयर फॉलिकल्स वीक होंगे, आपके बाल टूटेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हेयर फॉल का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेबी हेयर नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनको लगातार टाइट 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 बांधते रहेंगे तो वहाँ से बाल आने बंद हो जाएंगे। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको खानी है वो है करी लीव्स। इसके बीटा कैरेटिन, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों के लिए एक बहुत ही पावरफुल फूड है। हेयर थिनिंग और हेयर लॉस में तो ये मैजिक का काम करता है। तो आपको सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट 3 से 4 पत्ते करी लीव्स के खाने हैं, और 1 महीने बाद ही आप अपने बालों की हेल्थ में इसका मैजिक महसूस करने लगेंगे। सो गाइस, ये थे मेरे टॉप 10 हेयर केयर टिप्स। फॉलो करिए इनको, आपके 90% हेयर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्थ, ब्यूटी या फिटनेस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।